शुक्र है वो फाइनली सो गई है। सारी सारी रात जागती रहती है और अभी वो दो दिन से बिल्कुल नहीं सोई। आंटी अशोक की डेथ ही इतनी अचानक थी। हम जिन दोस्तों को बताते हैं उन्हें यकीन नहीं आता, तो फिर सारी दुआ को कहां से यकीन आएगा। अनुषा मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले वो सिर्फ बहकी बहकी बातें कर रही थी, अब अजीब अजीब हरकतें कर रही है। ऐसा लगता है जैसे सारा वक्त अशर के आने का इंतजार कर रही हूँ। आंटी वो शौक में भी तो है। हाँ मैंने अलीजे से बात की थी, वो कह रही है कि हमें उसे साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे यही खौफ है मेरी बच्ची नफसियाती मरीजा ना बन जाए। उसके अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। क्यों, हम आपके बच्चे नहीं हैं? आंटी मैं और मुर्तजा से खुद लेके जाएंगे, आप बस हम पे रहने दीजिए। अशर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे जाने के बाद दुआ और आंटी के लिए हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। हर रोज उन्हें एक नई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तेरी याद में जो दुआ ने अपनी हालत बना ली है वो किसी से भी देखी नहीं जाती। मुझे लगता है मुझे दुआ को तलाक दे देनी चाहिए ताकि दुआ अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले कर सके। ये दुआ के हक में भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी, क्योंकि जाने के बावजूद भी मैं अनुषे अपनी फैमिली की वजह से इनकी मदद नहीं कर सकूंगा। प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बहुत मजबूर हूं।